बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया था, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन को भी डिस्कस किया था और रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ, ये भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो है जी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। ठीक है जी, ये फोर पॉइंट है, इसको हमने डिस्कस करना है। इसमें अपने सिलेबस में भी यूज होने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ नंबर डिनोटेड बाय इक्वल साइन। ठीक है जी, अगर दो नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए, दैट इज नोन एज इक्वलिटी। राइट, पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर वन, इक्वालिटीज प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट, वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हर नंबर अपने आप की इक्वल होता है। ठीक है, एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। राइट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ए इज इक्वल टू ए इज नोन एज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है जी, नंबर टू पे है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में फॉर ऑल, अगर आपने कोई दो एलिमेंट लिए हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स आर से, ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं जो कि आर से लिए हैं, अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि अगर ए इज इक्वल टू है बी के, इम्प्लाइज दैट बी बराबर होगा ए के। ठीक है जी, इट मीन्स अगर दो चीजें आप लें, अगर दो पर्सन है, ठीक है, उनकी हाइट दोनों की इक्वल है, ठीक है, पहला पहले की हाइट दूसरे की इक्वल है, तो डेफिनेटली इम्प्लाइज दैट दूसरे की हाइट पहले की इक्वल होगी। ठीक है जी, इट मीन्स इफ ए इज इक्वल टू बी, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, दिस रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब ये इसमें इक्वल का साइन यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में आएगा। ठीक है जी, नंबर थ्री पे है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी, आपने कोई से तीन एलिमेंट लिए सेट ऑफ रियल नंबर से, उसको इस तरह डिफाइन किया कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए मस्ट बी इज इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, आपने कोई सी तीन चीजें लेनी है। ठीक है, अगर ए पहली दो चीजें बराबर हैं, मतलब ए बराबर है बी के, ठीक है, और दूसरी चीज किसी तीसरी के बराबर है, ठीक है, पहली चीज दूसरी की इक्वल है और दूसरी चीज किसी तीसरी की इक्वल है, तो डेफिनेटली पहली चीज भी तीसरी की इक्वल होगी। ठीक है जी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर फोर पे है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, आपने कोई से तीन एलिमेंट ले लिए सेट ऑफ रियल नंबर से, इफ ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट, अगर देखें ए इज इक्वल टू बी है, जो चीज आप लेफ्ट साइड पे जमा करेंगे वही चीज आप अगर राइट साइड पे जमा करेंगे तो भी इन दोनों का आंसर इक्वली रहेगा। सपोज अगर ए को आपने क्या माना है फाइव और बी को क्या माना है स्टूडेंट थ्री, ठीक है, तो सी एक ऐसी वैल्यू है जो कि आपने दोनों साइड पे सेम ऐड करनी है। ठीक है जी, ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी प्लस सी, क्योंकि सी दोनों साइड पे ऐड किया है, तो इट मींस दैट कि इन दोनों का आंसर भी सेम रहेगा, बिकॉज ए इज इक्वल टू है बी के, जो वैल्यू आप लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे वही वैल्यू राइट साइड पे ऐड करेंगे, तो इसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, नंबर फाइव पे है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, आपने पहले ऊपर वाली वैल्यूज में आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे सेम वैल्यू ऐड की थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव में आपने वही सेम वैल्यू लेफ्ट और राइट साइड पे आपने मल्टीप्ली करनी है, तो भी इसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो सिंबल है स्टूडेंट, जिस जो कि आपको एक नैरो से नजर आ रहा है ए की फॉर्म में, इसका मतलब होता है एंड। ठीक है जी, जिसको हम ओवर बोलते हैं। क्लियर हो गया जी,
अगेन रिपीट करवा देता हूँ मैं, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट आपने कोई से तीन एलिमेंट लेने हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, इट मींस ए इज इक्वल टू बी, तो इसके लेफ्ट साइड पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करवाएंगे राइट साइड पे भी वही कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई स्टूडेंट? सी जो है वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से आपने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करनी है स्टूडेंट, ये बातें वही बेसिक हैं जो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी के नाम से जाहिर हो गई हैं। जैसे आपको पता है कि अगर एक साइड पे वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी साइड पे भी पॉजिटिव है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो दोनों साइड पे वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट भी हो सकती हैं। उसी चीज को यहाँ पे एक प्रॉपर वे से डिफाइन किया गया है। इसको देखते हैं जी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है जी, दोनों साइड वही है जैसे हमने ऊपर ही डिफाइन किया था। प्रॉपर्टी नंबर आपके पास क्या थी, फोर पे एडिटिव प्रॉपर्टी में सी हमने ऐड किया था बोथ साइड पे, अगर वही सी अगर हम कैंसिल कर दें तो वही दोबारा वापस आ जाएंगे ए इज इक्वल टू बी पे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव सी है अगर इज इक्वल टू इस साइड पे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, फिर वही बचेगा ए इज इक्वल टू बी। तो ये स्टूडेंट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है। सिमिलरली स्टूडेंट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है जी, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइव नंबर पे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, जिसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये जो इक्वालिटी है प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की है सेवन है। ठीक है, इसी तरह आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज या ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहली है ट्रेचटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने कोई भी दो नंबर लिए हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, तो किसी भी दो चीजों के दरमियान स्टूडेंट देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। नंबर वन, हो सकता है पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल हो सकता है पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी हो सकता है पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी हो। तो अगर कोई दो एलिमेंट आपने लिए हैं किसी भी सेट से, तो उसके दरमियान तीन जो है आपके पास पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आइदर बोथ आर इक्वल, आइदर वन इज ग्रेटर देन अदर, देन अदर वन इज लेस देन अदर। ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं ये जो वर्ड है ना ट्रेस्टोमी, ये जो ट्राई है ना, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है जी, ट्राई का मतलब होता है जी थ्री, मतलब अगर कोई दो एलिमेंट आपने लिए तो उन दो एलिमेंट्स के दरमियान तीन पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रेचटोमी प्रॉपर्टी। राइट, उन्होंने बता दिया आइदर ए इज इक्वल टू बी, या तो ए बी के बराबर होगा नंबर वन, नंबर टू है या तो ए बड़ा होगा बी से, नंबर थ्री या तो ए छोटा होगा बी से, इसके अलावा स्टूडेंट कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम ट्रेचटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट आपने ये जो टू थ्री फोर है इसको भी आपने देख लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट की तरफ, जो कि अक्सर पेपर में आता है। ये है जी आपके पास एक रिजल्ट जिसको एग्जाम्पल नंबर फोर है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट हम प्रूव करते हैं, अक्सर हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन उसका ये मैथमेटिकल प्रूफ है, उसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर है जी, प्रूव दैट फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी। ठीक है जी, आपने कोई भी दो रियल नंबर लिए हैं, आपने ये प्रूव करना है ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ अगर जीरो का मल्टीपल करते हैं द आंसर विल बी जीरो। ठीक है जी, तो एक प्रूफ तो ये हो गया। दूसरा प्रूफ है जी, अगर उन दो नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसके दरमियान आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है दो वैल्यूज का जो प्रोडक्ट जीरो की इक्वल है, हो सकता है उसमें से पहली वैल्यू जीरो के बराबर हो, या हो सकता है उसमें से दूसरी वैल्यू जीरो के बराबर हो। ये जो उल्टा है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है आर ओ आर, जिसको या बोलते हैं। अगर इसी सिंबल को उल्टा कर दे तो फिर एंड बन जाएगा। ठीक है जी, आगे उन्होंने ब्रैकेट के अंदर मेंशन भी किया हुआ है। तो स्टूडेंट आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई दो नंबर लेने हैं जिसको ए और बी का नाम दिया हमने। हमने पहला प्रूफ ये करना है कि ए डॉट जीरो, बट यहाँ पे एक भी कंडीशन है कि ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो होता तो इज इक्वल टू जीरो, ये तो डेफिनेटली हो जाता। अब ए को यहाँ पे हम नॉन जीरो लेके चलेंगे और उसके साथ जीरो को मल्टीप्लाई करवाएंगे,
तो जीरो को किसी भी नॉन जीरो वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो स्टूडेंट आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, इनकी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एडिशन के केस में वही वैल्यू आती है। ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो आइए जी देखते हैं इसको। पहला प्रूफ है आपके पास, सॉल्यूशन वन, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू, हमने लिखा ए एज इट, जीरो को हमने लिखा स्टूडेंट वन प्लस इन टू माइनस वन, इन दोनों को अगर हम दोबारा एड अप करें तो आंसर जीरो आता है। तो जीरो को हमने इस शक्ल में लिखा वन प्लस माइनस वन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, अगर वन है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट, माइनस वन होगा। ठीक है जी, तो जीरो को हमने इस फॉर्म में लिखा। अब ये जो ए बाहर मल्टीप्ली हो रहा है स्टूडेंट, ये अंदर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्ली हो जाएगा, जिसको हम डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन पहले इसको यूज कर लें। अब प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस, तो वन माइनस वन हो गया। ठीक है जी, तो हर एक स्टेप पे हमने एक प्रॉपर्टी को यूज किया। ठीक है जी, अब ये जो स्टूडेंट ए बाहर मल्टीप्ली हो रहा है, ये हर एक वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्ली हो जाएगा इंडिविजुअली, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए को वन के साथ मल्टीप्ली करेंगे तो ए डॉट वन हो जाएगा, फिर ए प्लस का है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ए को वन के साथ करेंगे तो ए डॉट वन हो जाएगा, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिप्रेजेंट किया। ठीक है जी, अब स्टूडेंट देखें, अगर वन जो है वो आपके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है जो किसी भी वैल्यू के साथ एसोसिएट होती है, तो उस वैल्यू पे कोई फैक्टर नहीं करती, वो वैल्यू एज इट आती है। ठीक है, तो ए डॉट वन इज इक्वल टू ए माइनस एज इट, फिर ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट देखें, ये जो आपके पास ए डॉट जीरो था, ये लेफ्ट साइड पे एज इट चलता आ रहा है हर स्टेप के साथ। ठीक है, अब देखें ए माइनस ए, अब देखें ए प्लस इनटू माइनस ए, अब देखो डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन लगा दी दोबारा, अब देखो ये एडिटिव इनवर्स बन गया, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। थस ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट ये जो है आपके पास एक प्रॉपर मैथमेटिकली प्रूव है कि किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को अगर जीरो के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर विल बी जीरो। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरा पार्ट है कि दो वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आंसर जीरो आता है, तो इसका क्या मतलब है, हो सकता है उसमें से कोई पहली वैल्यू जीरो के बराबर हो सकता है कोई उसमें से दूसरी वैल्यू जीरो के बराबर हो। ठीक है, तो आइए जी इसको भी देख लेते हैं। पार्ट टू, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो, सपोज हमने कर लिया कि ए जीरो के बराबर नहीं है, सपोज दैट ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन देयर एग्जिस्ट, अगर ए जीरो के बराबर नहीं है स्टूडेंट, तो ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका क्या बनता है स्टूडेंट, वन अपॉन ए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 10 पे, तो अगर ए जीरो के बराबर नहीं है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वन अपॉन ए, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो उसको मल्टीप्ली करवा देंगे ए बी के साथ, इज इक्वल टू वन ओवर ए डॉट जीरो। ठीक है जी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, तो स्टूडेंट वन अपॉन ए डॉट ए इंटू बी इज इक्वल टू वन ओवर ए डॉट जीरो, बिकॉज ये जो स्टूडेंट ए बी था वो जीरो के बराबर था गिवन, तो उसकी जगह यहाँ पे वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब स्टूडेंट देखें, एसोसिएटिव लॉ को हमने मतलब यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये देखें स्टूडेंट ए ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा वन, बाहर क्या था बी, तो बी हो गया इज इक्वल टू जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने यूज की, क्योंकि ए का इनवर्स क्या था वन ओवर ए, बिकॉज ए नॉन जीरो था, तो यहाँ पे प्रूव हो गया बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये जो वन है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्ली होगी तो आंसर वैसे का वैसा आएगा, तो बी इज इक्वल टू जीरो हो गया। हमने कहा था ए जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर क्या हो गया, बी जीरो हो गया। इसी तरह स्टूडेंट अब हम कहेंगे कि बी जीरो नहीं है तो फिर ए जीरो हो जाएगा। ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो बी जीरो हो गया। हमने कहा था कि ए जीरो नहीं है तो बी जीरो हो गया था, जब ए जीरो नहीं था तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन ओवर ए मिला था। इसी तरह अब हम क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट, हम कहेंगे कि बी जीरो के इक्वल नहीं है, बी जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर क्या प्रूव होगा, ए इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली उसी पैटर्न में चलेंगे, बी जीरो के इक्वल नहीं है तो बी का भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वन अपॉन बी हो जाएगा। सिमिलरली इसी पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, आज तक इतना ही, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।